नहीं रहे पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ। दुबई में किन वजहों से हुआ निधन? पीछे छोड़ गए लंदन, दुबई, कराची में कितने अरब की संपत्तियां? पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का 79 साल की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने दुबई के एक प्राइवेट अस्पताल में दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और साल 2016 से ही वहां रहकर अपना इलाज करवा रहे थे। वे अमाइलोइडोसिस नाम की बीमारी से ग्रसित थे और अपने अंतिम दिनों में बेहद कमजोर हो गए थे। इन्हें कई बार लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर भी रखना पड़ा था, लेकिन वे बच नहीं सके। साल 1999 में पाकिस्तान का सेना प्रमुख रहते हुए इन्होंने भारत के खिलाफ कारगिल में जंग छेड़ दी थी, जिसमें पाकिस्तान की करारी शिकस्त हुई थी। इसके बाद उन्होंने तत्कालीन नवाज शरीफ सरकार का तख्ता पलट करते हुए खुद वहां की सत्ता में कायम हो गए थे। अपने विवादित सैन्य और पॉलिटिकल करियर में वे कई बार बड़ी वजहों से चर्चाओं में रहे थे। 3 नवंबर 2007 को पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाने और दिसंबर 2007 के बीच संविधान को निलंबित करने के जुर्म में परवेज मुशर्रफ पर साल 2013 में देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ था। अदालत ने मुशर्रफ को 31 मार्च 2014 को दोषी ठहराया था। इसके बाद वे इलाज कराने की बात कह दुबई निकल गए थे। देशद्रोह के मामले में पाकिस्तान की एक कोर्ट से फांसी की सजा मिलने के बाद वे खुद पाकिस्तान नहीं लौटना चाहते थे। बताया जाता है कि उच्च पदों पर रहते हुए इन्होंने खूब पैसा भी बनाया था। इन्होंने अपने अलावा अपने परिवार के लोगों के नाम से भी बहुत संपत्तियां बनाई थी। FIA या द फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में परवेज मुशर्रफ की प्रॉपर्टी का खुलासा किया था। भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद से ही मुशर्रफ विदेश में रहने लगे थे। कहा जाता है कि उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा था। इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपने अलावा परिवार के नाम पर संपत्तियां अर्जित की थीं। परवेज मुशर्रफ की संपत्तियों की जांच करने वाली द फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने अपनी जांच रिपोर्ट अदालत को सौंपी थी, जिससे ये खुलासा हुआ था कि अकेले पाकिस्तान में ही उनकी 8 अलग अलग बेहद महंगी प्रॉपर्टीज हैं। उनकी प्रॉपर्टीज में उनके नाम से कराची में एक आलीशान मकान, कराची के ही एक पॉश इलाके में प्लॉट, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी उनके परिवार के नाम से करोड़ों रुपए का प्लॉट है। इस्लामाबाद में ही उनके कई और छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, जबकि लाहौर में भी उनके नाम से कई प्लॉट्स हैं। इसके अलावा मुशर्रफ परिवार के नाम से खाइबान में भी लाखों की कीमत के प्लॉट्स हैं। पाकिस्तान के अलावा पूर्व जनरल और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और इनके परिवार के लोगों के नाम से विदेशों में भी करोड़ों की प्रॉपर्टीज हैं। बताया जाता है कि लंदन और दुबई, जहां वे हाल फिलहाल रहा करते थे, दोनों ही जगहों पर उनकी संपत्तियों की कीमत 20-20 करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि उनके पास बैंकों में जमा मोटी रकम को लेकर जो जानकारियां मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही हैं, उसके मुताबिक उनके 6 से ज्यादा बैंक खातों में लगभग 2 करोड़ डॉलर के आसपास मोटी रकम जमा है। परवेज मुशर्रफ की इतनी संपत्तियां जांच के घेरे में थीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।